हमने ये डिजाइन बनाने के लिए दो रंग की ऊन ली है, एक व्हाइट कलर लिया है, एक रेड कलर लिया है। आज हम दो रंग का डिजाइन, ये डिजाइन बनाने के लिए हमने 23 फंदे लिए हैं। 8 के मल्टीपल करके 16 फंदे हैं, उसके बाद 7 फंदे लिए हैं। ये डिजाइन 8 मल्टीपल का डिजाइन है, 8 मल्टीपल करने के बाद 7 फंदे बाद में लेने हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट रो है सीधी साइड, पहली सिलाई शुरू करते हैं हम बनाना। ये हमने फर्स्ट कलर डाला है, इसी से हम बॉर्डर बनाएंगे और इसी से फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये पहली सिलाई है सीधी साइड फर्स्ट कलर से, पहला फंदा स्लिप का सीधा बना लेंगे, फिर सभी फंदों को एक एक करके सीधा बनाकर सिलाई को पूरी करेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे, इस तरह से ये हम सीधी सिलाई में सारे फंदे सीधे बुनकर सिलाई को कंप्लीट करते हैं। ये पहली सिलाई हमारी पूरी हो गई, ठीक है। सीधी साइड से पहली सिलाई हम, ये उल्टी साइड है दूसरी सिलाई, पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद एक एक फंदा उल्टा बुनकर सभी फंदों को उल्टा बनाकर सिलाई को पूरी करेंगे। पूरी सिलाई ये उल्टी ही बनेगी। इस तरह से ये उल्टी साइड की सिलाई भी पूरी हो गई। ये हमारी दूसरी, ये तीसरी सिलाई है सीधी साइड। यहाँ पर हमें कलर चेंज करना है, अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। दूसरा कलर हमारा रेड कलर है, तो हम इसमें यहाँ पर रेड कलर लगा लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम पहला फंदा स्लिप का है, पहला फंदा स्लिप का बना लेते हैं सीधा। पहला फंदा स्लिप का है, पहला फंदा सीधा बना लिया। इसके बाद यहाँ से हम रिपीट पैटर्न स्टार्ट करते हैं। शुरू के 5 फंदे सीधे बनाएंगे, एक और ये 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे बनाए हैं। इसके बाद यहाँ से एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे। इस तरह से ये हमारा 8 फंदों का एक पैटर्न होता है। ऐसा स्टिच का फंदा छोड़ने के बाद 5 फंदे सीधे बनाए, फिर एक फंदा स्लिप किया, फिर एक फंदा सीधा बनाया, फिर एक फंदा स्लिप किया। ये 8 फंदे हैं। अब यही 8 फंदे हम आगे बार बार रिपीट करेंगे। 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे। यहाँ से यहाँ तक 2 डिजाइन कंप्लीट होते हैं। आखिर में 6 फंदे बचते हैं, 5 फंदे आखिर में सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ऐसा स्टिच का फंदा है, इसको भी सीधा बना लेते हैं। इस तरह से ये हमारी तीसरी, चौथी सिलाई है उल्टी साइड। उल्टी साइड से अब हम, ये हमारी चौथी सिलाई है। पहला फंदा स्लिप करेंगे इस तरह से, ऊन पीछे लेकर जाएंगे। यहाँ से हम रिपीट पैटर्न शुरू करेंगे, तो ये 5 फंदे सीधे बनाएंगे। उल्टी साइड से भी हमें ये फंदे सीधे बनाने हैं। 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे इस तरह से, और एक फंदा स्लिप करेंगे। जो फंदा हमने स्लिप किया था उसको स्लिप करेंगे, फिर ऊन इस तरह से पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से ऊन आगे लेकर आएंगे अपनी तरफ रखते हुए इस फंदे को स्लिप करेंगे, ठीक है। ऐसे स्टिच का फंदा छोड़ने के बाद यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होता है। 5 फंदे सीधे बनाए, फिर अपनी ऊन तरफ करके, अपनी तरफ ऊन करके एक फंदा स्लिप किया, फिर एक फंदा सीधा बनाया, फिर ऊन अपनी तरफ की, फिर एक फंदा स्लिप किया। इस तरह से ये 8 फंदे रिपीट करने हैं, फिर ऊन पीछे लेकर जाएंगे। 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे, ऊन आगे लेकर आएंगे इस तरह से अपनी तरफ, और एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर ऊन इस तरह से पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर ऊन आगे लेकर आएंगे अपनी तरफ, एक फंदा स्लिप करेंगे, ऊन पीछे लेकर जाएंगे इस तरह से। ये 2 डिजाइन कंप्लीट हो गए हैं। आखिर में 6 फंदे बचे हैं, 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे,
ऊन आगे लेकर आएंगे अपनी तरफ, ऐसे स्टिच का फंदा उल्टा बना लेते हैं इस तरह से। ये चौथी सिलाई पूरी। पांचवी सिलाई है सीधी साइड, इसे हम तीसरी सिलाई की तरह बनाते हैं। ठीक है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से हम रिपीट पैटर्न शुरू करेंगे, शुरू के पांच फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे सीधे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे। ठीक है, ये वाइट वाले दो फंदे स्लिप किए हमने, यहाँ से इस तरह से एस डे स्टिच का फंदा छोड़ने के बाद पांच फंदे सीधे बनाए, एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा बनाए, एक फंदा स्लिप किया। अब इन्हीं फंदों को रिपीट करेंगे, पांच फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे सीधे बनाए, फिर एक फंदा स्लिप किया, फिर एक फंदा सीधा बनाए, फिर एक फंदा स्लिप किया, यहाँ से यहाँ तक दो डिज़ाइन कंप्लीट होते हैं। आखिर में छह फंदे बचते हैं, पांच फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे सीधे, एस डे स्टिच का फंदा है इसको भी सीधा बना लेते हैं। इस तरह से ये पांचवी सिलाई पूरी होती है। ये छठी सिलाई है उल्टी साइड, उल्टी साइड से ये हमारी छठी सिलाई है। यहाँ से पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन पीछे लेकर जाएंगे, यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होता है, शुरू के पांच फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, उल्टी साइड से छठी सिलाई, पांच फंदे शुरू के सीधे बनाए, ऊन आगे करी, फिर एक फंदा स्लिप किया, ऊन पीछे करके एक फंदा सीधा बनाया, फिर ऊन आगे की, एक फंदा स्लिप किया, ऊन पीछे। ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे स्टिच का फंदा छोड़ने के बाद पांच फंदे सीधे बनाए, फिर एक फंदा स्लिप किया, फिर एक फंदा सीधा बनाया, एक फंदा स्लिप किया, ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है। अब यही पांच फंदे हम रिपीट करेंगे, पहले पांच फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे सीधे, ऊन आगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, ऊन पीछे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर ऊन आगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, ऊन पीछे। ये यहाँ से यहाँ तक दो पैटर्न कंप्लीट होते हैं। आखिर में छह फंदे बचते हैं, पांच फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, ऐसा स्टिच का फंदा उल्टा बना लेते हैं। ये हमारी छठी सिलाई पूरी। सातवीं सिलाई है सीधी साइड। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करते हैं, फिर से वाइट कलर लगाते हैं। पहला फंदा सीधा बनाएंगे, ऐसे स्टिच का फंदा सीधा बना लेते हैं, उसके बाद फिर सभी फंदों को एक एक करके बुनते हुए सीधा बनाएंगे। ये पूरी सिलाई हम सीधी बनाकर कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ये जो सभी फंदे हैं और ये जो हमने फंदे पहले स्लिप किए थे दो बार, इनको भी सीधा बना लेंगे इस तरह से, फिर इसको भी सीधा बनाएंगे और फिर इसको भी सीधा बना लेते हैं। इस तरह से सभी फंदे सीधे बनाकर सिलाई को पूरी करते हैं। सातवीं सिलाई है सीधी साइड। ये देखिए सातवीं सिलाई भी हमारी पूरी हो गई। ठीक है, सातवीं सिलाई भी। आठवीं सिलाई है उल्टी साइड। पहला फंदा स्लिप किया, फिर हम एक एक करके सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। इस तरह से पूरी सिलाई उल्टी बनाकर पूरी करते हैं, सभी फंदों को उल्टा बुनकर सिलाई को पूरी करेंगे। आठवीं सिलाई भी पूरी होती है। ये नौवीं सिलाई है सीधी साइड। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये हम यहाँ पर बनाएंगे और ये बीच के फंदे यहाँ पर लेंगे। ये तीन फंदे आते हैं, ये एक दो तीन, एक फंदा इधर से लेकर, एक फंदा इधर से लेकर, पांच फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे सीधे। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, रेड कलर लगाते हैं, सेकंड कलर लगाते हैं। पहला फंदा स्लिप का है, इसे सीधा बना लेते हैं, एक फंदा सीधा बनाएंगे, दो फंदे छोड़ने के बाद यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होता है। एक फंदा सीधा बनाए,
एक फंदा स्लिप का बनाया, फिर एक फंदा सीधा बनाया। यहाँ से हम रिपीट पैटर्न शुरू करते हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे और पांच फंदे सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है। दो फंदे शुरू के छोड़ने के बाद यहाँ से हम रिपीट पैटर्न शुरू करते हैं। एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा बनाया, एक फंदा स्लिप किया, फिर पांच फंदे सीधे बनाए। इस तरह से ये आठ फंदों का एक पैटर्न कंप्लीट होता है। एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा बनाया, एक फंदा स्लिप किया, फिर पांच फंदे सीधे बनाए। एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर एक। ये यहाँ से यहाँ तक हमारे दो डिजाइन कंप्लीट होते हैं, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। आखिर में पांच फंदे बचते हैं। इन फंदों को हम इस तरह से बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, तीन फंदे हो गए, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे और एस स्टिच का फंदा सीधा बना लेते हैं। ये आखिर के पांच फंदे हमें इस तरह से बनाने हैं। ये दसवीं सिलाई है उल्टी साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऊन आगे लाएंगे अपनी तरफ। अब यहाँ से हम रिपीट पैटर्न शुरू करते हैं। एक फंदा स्लिप करेंगे शुरू का, ऊन पीछे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर ऊन आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, ऊन पीछे, पांच फंदे सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है। शुरू के दो फंदे छोड़ने के बाद एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा बनाया, एक फंदा स्लिप किया, फिर पांच फंदे सीधे बनाए। ये आठ फंदों का एक डिजाइन कंप्लीट होता है। यही आठ फंदे हम रिपीट करेंगे। ऊन आगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, ऊन पीछे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर ऊन आगे करके एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर ऊन पीछे करके पांच फंदे सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। यहाँ से यहाँ तक हमारे दो डिजाइन कंप्लीट होते हैं। ऊन आगे करेंगे, आखिर के पांच फंदे हैं। एक फंदा स्लिप करेंगे, ऊन पीछे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऊन आगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, ऊन पीछे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऊन आगे, ऐसे चीज का फंदा उल्टा बना लेते हैं। ये हम ग्यारहवीं सिलाई है सीधी साइड। इस पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब यहाँ से हम रिपीट पैटर्न शुरू करते हैं। एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर पांच फंदे सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। ये आठ फंदों का एक पैटर्न कंप्लीट होता है। अब यही रिपीट करेंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर पांच फंदे सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। इस तरह से हमारे दो डिजाइन कंप्लीट होते हैं। आखिर में पांच फंदे बचते हैं। एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और आखिर का दो फंदे हैं, दोनों सीधे बना लेते हैं। ये ग्यारहवीं सिलाई कंप्लीट होती है। बारहवीं सिलाई है उल्टी साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। यहाँ से हम ऊन आगे करके रिपीट पैटर्न शुरू करते हैं। एक फंदा स्लिप करेंगे, ऊन पीछे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऊन आगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, ऊन पीछे, पांच फंदे सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न कंप्लीट होता है। ऊन पीछे करके एक फंदा स्लिप करेंगे, ऊन आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऊन पीछे करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, ऊन आगे, पांच फंदे सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। ये दो डिजाइन कंप्लीट होता है। आखिर में पांच फंदे बचे हैं। एक फंदा स्लिप करेंगे, ऊन आगे करके एक फंदा स्लिप करेंगे, ऊन पीछे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर ऊन आगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, ऊन पीछे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऊन आगे, ऐसा स्टिच का फंदा सीधा बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 12 सिलाई पूरी होने पर इस तरह से ये डिजाइन बनकर आता है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा डिजाइन बनकर आता है। अब 12 सिलाई रिपीट होने के बाद फिर से हम फर्स्ट रो से 12 सिलाई पूरी होने के बाद फिर से हम फर्स्ट रो से रिपीट करेंगे। रिपीट अगेन। ये सीधी साइड की पहली सिलाई है, इसे हम फर्स्ट कलर से सीधा सीधा। ये सीधी साइड से हमारी पहली सिलाई है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर सभी फंदों को सीधा सीधा बुनकर सिलाई को पूरी करेंगे। इस तरह से ये हमारी पहली सिलाई सीधी बनती है फर्स्ट कलर से, ठीक है। अब हम इसे बना लेते हैं। फर्स्ट सिलाई हमारे डिजाइन की सीधी बनती है।
ठीक है, इस तरह से हमारी ये पहली सिलाई पूरी होती है। और इस तरह से ये डिजाइन नजर आता है। ठीक है, आपको मेरा डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक कर दीजिए। उससे आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जो वीडियो आने वाली हैं उनकी भी और जो आ चुकी हैं उनकी भी। थैंक यू, बाय बाय।